हेलो एवरीवन, आज हम एनोड्रिक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कि हम कैनोड्रिक एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारा बिल्कुल कैथोड्रिक एक्सपेरिमेंट जैसा ही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, और वो थोड़ा सा अंतर क्या है वो हम बताने वाले हैं। तो जो हमारा एनोड्रिक एक्सपेरिमेंट है वो गोल्डस्टीन ने परफॉर्म किया था। तो जो हमारे गोल्डस्टीन हैं उन्होंने एनोड्रिक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्चार्ज ट्यूब है, मतलब दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं और 10,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे वैक्यूम पंप के थ्रू हम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर 0.01 mmHg कर देते हैं वैक्यूम पंप के थ्रू। यहाँ पे जो हमारा कैथोड है, ये हमारी नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। तो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा, और नेगेटिव प्लेट से जुड़ा इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड होगा। तो कैथोड को हमें क्या करना है, परफोरेटेड करना है, मतलब उसमें होल बना देने हैं, छोटे छोटे होल हमने कर दिए। अब क्या होगा कि ये हमारी गैस जो है वो आयनाइज हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो कैथोड से एनोड की ओर हुआ था। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका फ्लो जो है वो कैथोड से एनोड की ओर हुआ था, इस कारण इसको हम कैथोड रेज बोल रहे थे। और जो हमारे गैसियस आयन है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस होती तो हाइड्रोजन आयन होता। तो गैस जो आयन है तो जी पॉजिटिव हम बोल देते हैं, तो इनका फ्लो जो है वो एनोड से कैथोड की ओर होगा। तो गोल्डस्टीन ने ये प्रेडिक्ट किया था कि जब हमने यहाँ पे गैस ली है और गैस का अगर आयनाइजेशन हुआ है, तो फिर निश्चित बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की ओर फ्लो हो रहे हैं तो पॉजिटिव आयन एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होने चाहिए। उसने ये प्रेडिक्ट किया था और बाद में ये सही भी निकला। तो यहाँ पे उसने क्या किया, कैथोड को परफोरेटेड कर दिया और पीछे जो है वो जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी। इस स्क्रीन में कोई भी पार्टिकल आके टकराता है तो चमक उत्पन्न होती है, फ्लैश उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे गैस आयन टकराया तो यहाँ पे फ्लैश क्रिएट हुआ, इसका मतलब है कोई पार्टिकल यहाँ पे आके टकराया। तो इससे प्रूव हो गया कि जो हमारा पॉजिटिव आयन है, जो गैसियस आयन है, वो जो है वो बनता है जो कि एनोड से कैथोड की ओर फ्लो होता है। तो जो हमारा गैसियस आयन है उसी को हमने बोला एनोड रेज। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन ऑफ गैस फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड आर कॉल्ड एनोड रेज। अब यहां पे प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो देखो जरा, गोल्डस्टीन ने कहा कि अगर हमने यहां पे हाइड्रोजन गैस ली और हाइड्रोजन आयन बना तो ये बिल्कुल जो है वो प्रोटॉन के इक्वल होता है। इस पे कितना चार्ज है, इस पे +1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज है। इस पे कितना चार्ज है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो फिर क्या होता है, मतलब वो हमारा हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन के इक्वल ही होता है। तो यहां से प्रोटॉन की डिस्कवरी फिर गोल्डस्टीन ने कर ली। अब हमें एनोडेज की प्रॉपर्टीज जो है वो बतानी है। तो एनोडेज जो है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। एनोडेज के पाथ पे अगर कोई ऑब्स्टिकल आ जाए तो फिर क्या होती है, उस ऑब्स्टिकल की परछाई बनती है, शैडो बनती है। एनोडेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, डिफ्लेक्टेड हो जाती है। इनका डिफ्लेक्शन जो है वो कैथोडेज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एनोडेज जो है वो गैस चैम्बर में अगर हम पास करें तो गैस को आयनाइज कर देंगी। एनोड रेज जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर देती है। एनोड रेज में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, इस कारण ये पेटल व्हील को क्या करती है, घुमाने लगती है। फिर एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है एनोड रेज के लिए, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज हमारा E/m रेशियो जो है वो कहलाता है। इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो एनोड रेज के लिए स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू जो है वो अलग अलग आती है, क्योंकि यहाँ पे ई मतलब होता है चार्ज। चार्ज तो सेम है लेकिन गैस के जो आयन है उसका मास जो है वो अलग अलग होता है। तो अगर मास अलग है तो फिर जो हमारा स्पेसिफिक चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, गैस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हमने कौन सी गैस ली है। तो एनोड रेज का स्पेसिफिक चार्ज जो है वो किस पे डिपेंडेंट होता है, वो गैस पे डिपेंड होता है कि आपने डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस ली है। इसके बाद हम एनोड रेज की प्रॉपर्टीज को नोट कर लेते हैं। तो हमारी पहली प्रॉपर्टीज है एनोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड है एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, दे रोटेट लाइक पेडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। थर्ड है एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ है द वैल्यू E/m रेशियो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। फिफ्थ है
एनोड इज ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट. सिक्स है दे आर पॉजिटिवली चार्ज. सेवेंथ है दीज पार्टिकल प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन. तो ये हमारे एनोड्रेस की प्रॉपर्टीज हो गई. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, उसको शेयर करें. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज को सब्सक्राइब करें. थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.